अभिमन्यु फ्रॉम पैनासोनिक। मैं आज आपके लिए लेकर आया क्विक और इंटरेस्टिंग रेसिपी जिसका नाम है रोस्टेड पोहा। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं तो आज हम वो देखते हैं। आइए, तो इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार है। 2 कटोरी मैंने चिवड़ा ले लिया है, ठीक है। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, हल्दी और राई 1/2 टीस्पून, चाट मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून। आप चाहो तो इनके अलावा मार्केट में पोहा मसाला आता है वो भी ले सकते हैं। और मैंने लिया है ऑनियन चॉप्ड, टमाटो चॉप्ड, रोस्टेड पीनट्स और ऑयल। अब हम इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। ऑयल डाल दिया हमने। ऑयल डालने के बाद हमने जो मसाले लिए हैं वो मसाले डालेंगे। मसालों के बाद हम लेंगे जो चॉप्ड ऑनियन हमने ली थी वो लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पैनासोनिक माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रोवेव पावर लेवल 100 पे 1 मिनट के लिए, देन स्टार्ट। तो देख सकते हैं जो हमने टाइम दिया था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने में जब हमने जो चिवड़ा कह लीजिए या पोहा कह लीजिए वो लिया था उसको हम इस बाउल में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको पैनासोनिक माइक्रोवेव में रखेंगे माइक्रोवेव पावर लेवल 100 पे 1 मिनट के लिए, देन इसको स्टार्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं जो हमने टाइम दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसमें जो हमने रोस्टेड पोहे रोस्टेड पीनट्स लिए थे वो ऐड करेंगे, देन टोमेटो ऐड करेंगे, और जो हमने लेमन लिया था 1 उसको हम अच्छे से जूस निकाल के उसको ऐड कर देंगे जिससे कि आपका टेस्ट अच्छा है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम पैनासोनिक माइक्रोवेव में रख देंगे माइक्रोवेव पावर लेवल 100 पे 1.5 मिनट का टाइम दे देंगे, देन स्टार्ट। देख सकते हैं जो हमने टाइम दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और आपके लिए सर्व करेंगे। Panasonic.